बॉल है या आग का गोला, हारिस रऊफ की रफ्तार देख भौचक्के रह गए जेसन रॉय। पाकिस्तानी गेंदबाज ने पीएसएल 2024 की फेंकी सबसे तेज गेंद। जी हां, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ की जो गिनती है पाकिस्तान के नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे घातक गेंदबाजों में की जाती है। हारिस रऊफ अपनी रफ्तार के दम पर, अपनी स्पीड के बूते दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर चुके हैं। वही पाकिस्तान सुपर लीग 2024 की बात करें तो यहां हारिस रऊफ की रफ्तार का कहर एक बार फिर से कैमरे में कैद हुआ है। जी हां, हारिस रऊफ ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ खेले गए इस मुकाबले में इस सीजन के सबसे तेज बॉल फेंकी है। दरअसल क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाज जेसन रॉय को हारिस रऊफ ने 149.1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक गेंद फेंकी। रऊफ के हाथ से निकली ये बॉल पीएसएल 2024 की सबसे तेज गेंद है। वो और बात है कि हारिस रऊफ की रफ्तार उन्हें कुछ खास असर नहीं डाल पाई, कुछ खास असर नहीं छोड़ पाई। रऊफ ने अपने चार ओवर के स्पेल में दिल खोलकर 47 रन लुटाए और हारिस रऊफ के हाथ सिर्फ एक विकेट लगाए। भाई बात करें पीएसएल के इस मुकाबले की तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए लाहौर कलंदर्स को 5 विकेट से हराया। लाहौर से मिले 188 रन के इस टारगेट को ग्लैडिएटर्स की टीम ने 5 विकेट खोकर 19.1 ओवर में ही हासिल किया है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की शुरुआत शानदार रही। जेसन रॉय और सऊद शकील ने टीम को दमदार शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए महज 6.5 ओवर में 69 रन हासिल किए। शकील तेज गेंदों पर 40 रन बनाकर पवेलियन गए। तो बात जेसन रॉय की करें जिन्हें सबसे तेज बॉल फेंकी हारिस ने, वो 24 रन बनाने के बाद सिकंदर रजा का शिकार बने। इसके बाद ख्वाजा नाफे ने मोर्चा संभाला और जमकर चौके छक्कों की बरसात की। ख्वाजा नाफे ने 31 गेंदों का सामना करते हुए 60 रन की तेज तर्रार पारी खेली। अपने इस पारी के दौरान ख्वाजा नाफे ने 4 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के जमाए और टीम को जीत दिलाकर लौटे। ख्वाजा नाफे के बारे में हम आपको एक वीडियो अलग से दिखाने वाले हैं, तो जरूर वो वीडियो भी देखिएगा आप, इसके बाद वो वीडियो आएगी। वहीं रदरफोर्ड ने 12 गेंदों पर 14 रन जड़े तो अकील हुसैन 9 गेंदों पर 9 रन बनाकर नाबाद रहे। लाहौर कलंदर्स की ओर से साहिबजादा फरहान ने बल्ले से खूब धमाल मचाया। फरहान ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 43 बॉल्स पर 62 रन कूटे। फरहान ने अपनी इस पारी के दौरान 6 चौके और 3 छक्के लगाए। फरहान के अलावा टीम की ओर से जहादाद खान ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 17 बॉल्स पर 45 रन ठोके। जहादाद ने 264 के स्ट्राइक रेट से तबाही मचाई, 3 चौके 4 गगनचुंबी छक्के लगाए, जिसकी बदौलत लाहौर की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 187 रन लगाने में कामयाब रही। दोस्तों हारिस रऊफ की जो स्पीड है जिसकी नुमाइश उन्होंने एक बार फिर पीएसएल 2024 में की है, उसको लेकर आप क्या कुछ अपनी राय रखना चाहेंगे, उसको किस तरह से आप देखते हैं। लेकिन स्पीड एक तरफ है, दूसरी तरफ है परफॉर्मेंस और उसका उससे हासिल क्या हुआ वो बात। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हारिस रऊफ स्पीड तो डालते हैं, अपनी बॉलिंग में परफॉर्मेंस तो कंसिस्टेंट रखते हैं, लेकिन रिजल्ट उस लिहाज से नहीं मिल पा रहे हैं। आप अपनी क्या राय रखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। पीएसएल से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए भारत पॉजिटिव।